संसद का विशेष सत्र चल रहा है और राहुल गांधी ने थाम लिया बिल्ला नंबर 756 का बैच। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ कूली और टैक्सी ड्राइवर से मिले बल्कि वो काम किया जिस पर उनकी तारीफ भी हो रही है, तंज भी कसे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि कूली नंबर वन वाले राहुल के अंदाज का मैसेज क्या है। देश में कूली नंबर वन बने राहुल, क्या 24 में राजनीति के हीरो नंबर वन बन पाएंगे? सोशल मीडिया के ब्रह्मांड में पसरी इन तस्वीरों पर ऐसे तमाम तरह के कमेंट्स गढ़े जाने लगे हैं। कई यूजर्स तंज भी कस रहे हैं कि जब सूटकेस में पहिए लगे हैं तो सिर पर उठाने की क्या जरूरत थी। जिस्म पर मेहनत कश कूलियों की लाल वर्दी, हाथ पर बैच और सिर पर सूटकेस, कूली नंबर वन वाला राहुल का यह अंदाज आपने देखा क्या? कहां तो महिला आरक्षण बिल से सियासत की सरगर्मी पड़ी, देश की नजर संसद पर टिकी, लेकिन राहुल ने अचानक आनंद विहार स्टेशन पहुंचकर कूलियों और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को सरप्राइज कर दिया। कूली बने राहुल का एक एक अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया। कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के तमाम नेता राहुल के जमीनी जुड़ाव पर चार चांद लगाने लगे। इन सब के बीच देखिए राहुल से मुलाकात के बाद कूलियों ने क्या कहा। हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, मतलब उनकी वीडियो देखी थी जैसे ट्रक वालों के साथ में है, आज हम मंडी में गए हैं बाइक पे, तो उस हिसाब से हमने भी सोचा हमसे भी मिलने आएंगे, हमारे भाइयों से मिलने गए तो हमसे भी मिलेंगे। बातचीत तो हमारे वो पूछ रहे थे दुख कैसे कमाते हो, कितना कमा लेते हो, इसके बारे में पूछ रहे थे कि कैसे काम करते हो, फर्स्ट बार जब तुम स्टेशन पाए तो तुमने पहली मजदूरी कैसे की थी, ऐसे बातें की थी कुछ हमसे भी। 2014 वाले राहुल गांधी 2023 में पूरी तरह से बदले बदले नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बियर्ड लुक से चेहरे का हाव भाव बदला, तो अब पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का उनका अंदाज भी सामने आया है। विरोधियों के पप्पू वाले नैरेटिव से बेपरवाह राहुल कभी डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी करते हैं तो ट्रक में यात्रा करने से भी चूकते नहीं है, चाहे हरियाणा हो या न्यूयॉर्क। गड्डी में घूमते राहुल की यात्रा ने खूब चर्चा बटोरी। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी राहुल में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रही है और राहुल वोटों का सूखा खत्म करने धान रोपते भी नजर आते हैं। और तो और 10 जनपद का नजारा भी अब पहले से बिल्कुल जुदा हो गया है। गांधी परिवार की मेहमान बनकर हरियाणा की महिलाएं पहुंची तो दावत के साथ साथ लोक गीतों का रंग चढ़ा। इसके बाद सब्जी विक्रेता रामेश्वर के आंसुओं ने देश को झकझोरा तो राहुल ने उन्हें मां सोनिया के घर बुलाया, खाना खिलाया। हर तस्वीर, हर अंदाज और हर मुलाकात से राहुल ने खास मैसेज देने की कोशिश की। पहले सत्र के दौरान अचानक छुट्टियों पर चले जाने वाले राहुल अब हर मुद्दे पर लीड लेते दिखने लगे हैं। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव से लेकर महिला आरक्षण बिल तक राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य वक्ताओं में से एक रहे, लेकिन बीजेपी अभी भी मानने को तैयार नहीं कि राहुल धीर गंभीर और समझदार नेता बन गए हैं। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको न आता न पता न सता। बीजेपी की ओर से राहुल की सियासी समझ पर सबसे तीखे हमले जारी हैं, जिसे कांग्रेस राहुल से डरने वाली थ्योरी मानती है। टीम न्यूज नेशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं।